हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन इन द बुक एमएल अग्रवाल. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन. लेट पी एन टू रेज टू द पावर एन लेस देन फैक्टोरियल एन, देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच पी एन इज ट्रू. फोर ऑप्शन हमें गिवन है एंड वी हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शन. इसमें देखिए कि स्टैंडर्ड नोटेशन यूज हुआ है दिस सिंबल. दिस इज नोन एज फैक्टोरियल एन एंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एन n minus 1, n minus 2, up to 1. It means factorial 5 is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is, aap multiply kar lijiye. This is 120. Now come to the statement. 2 raised to the power n is less than factorial n. Aur hume smallest positive integer find out karna hai, jo is statement ke liye true ho. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं n इज इक्वल टू 1 से. n इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं. लेफ्ट साइड विल बिकम 2 रेज टू द पावर 1 एंड राइट साइड विल बिकम फैक्टोरियल 1. फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होगी 1 अकॉर्डिंग टू दिस रूल. बट 2 इज नॉट लेस देन 1. इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. मीन्स गिवन स्टेटमेंट पी एन इज नॉट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. नाउ वी हैव टू चेक फॉर n इज इक्वल टू 2. n इज इक्वल टू 2 को अगर हम लेफ्ट साइड में पुट करेंगे इट विल बिकम 2 रेज टू द पावर 2 एंड राइट साइड विल बिकम 2 फैक्टोरियल 2. दिस इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 2 दैट इज 2 इंटू 1 मीन्स 2. 4 इज नॉट लेस देन 2. इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. मीन्स n इज इक्वल टू 2 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. नाउ वी आर चेकिंग फॉर n इज इक्वल टू 3. लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 2 रेज टू द पावर 3 एंड राइट हैंड साइड फैक्टोरियल 3. फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 एंड 2 रेज टू द पावर 3 इज 8. 8 इज नॉट लेस देन 6. इट मीन्स n इज इक्वल टू 3 के लिए भी पी एन ट्रू नहीं है. नाउ वी आर चेकिंग फॉर n इज इक्वल टू 4. लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 2 रेज टू द पावर 4 एंड राइट साइड फैक्टोरियल 4. वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 4 24 एंड 2 रेज टू द पावर 4 16 एंड 16 इज लेस देन 24. इट मीन्स फॉर n इज इक्वल टू 4 पी एन इज ट्रू. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. कंसीडर द स्टेटमेंट पी एन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 41 इज प्राइम. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. स्टेटमेंट हमें गिवन है. आप जब इसको सॉल्व करेंगे MCQs के लिए तो आपको मिनिमम टाइम में इसको सॉल्व करना होगा, पर आपके साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन शेयर कर रही हूँ. वी हैव टू चेक बोथ P3 एंड P5. मीन्स आप देखिए फोर ऑप्शन हमें गिवन है. P3 और P5 की वैलिडिटी हमें चेक करनी है. तो अब देखिए पहले हम दिस इज PN, तो P3 को हम चेक कर लेते हैं. N के प्लेस पर 3 पुट करिए और चेक करिए वेदर इट इज प्राइम और नॉट. इट इज 47. इट मीन्स एंड 47 इज अ प्राइम. इट मीन्स P3 तो ट्रू है. नाउ वी आर चेकिंग फॉर P5. एन के प्लेस पर 5 पुट कर दीजिए और चेक करिए वेदर वी गेट अ प्राइम नंबर और नॉट. 61. इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. इट मीन्स P3 एंड P5 बोथ आर ट्रू. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. PN हमें गिवन है 1 प्लस 3 प्लस 3 अप टू 2 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस एन स्क्वायर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. P3 इज करेक्ट. चलिए चेक करते हैं. n के प्लेस पर 3 पुट करेंगे मीन्स 1 प्लस 3 प्लस 5. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बिकम n के प्लेस पर आप 3 पुट कर दीजिए 9 and this is 12. False statement. 9 is not equal to 12. It means P3 is not correct. Now check P2. Left side में 2 terms ले लीजिए और right side में n के place पर 2 put कर दीजिए. This is 7. This is also a false statement. It means option A and B are not correct. Now look at C and D. ऑप्शन सी में हमें गिवन है पी एम इम्प्लाइज पी एम प्लस 1. इट मीन्स अगर पी एम हमें गिवन है तो हम पी एम प्लस 1 को
उसकी हेल्प से लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो नेचुरली शो कर सकते हैं। आप देखिए पी एन आपको गिवन है 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस एन स्क्वायर। इट मीन्स पी एम क्या होगा, जस्ट आप एम को रिप्लेस, एन को रिप्लेस कर दीजिए एम से, दिस इज पी एम। एंड नाउ वी कैन राइट पी एम प्लस 1 विद द हेल्प ऑफ पी एम। जस्ट आप एम के प्लेस पर एम प्लस 1 पुट कर देंगे। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। लेट पी एन सच दैट एन स्क्वायर लेस देन 2 रेज टू द पावर एन, फॉर एन इज ग्रेटर देन 1। देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच पी एन इज ट्रू। स्टेटमेंट हमें गिवन है एन स्क्वायर लेस देन 2 रेज टू द पावर एन, और एन ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 नहीं है। इट मीन्स 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। लेफ्ट साइड में पुट करेंगे n के प्लेस पर 2, और राइट साइड में भी पुट करेंगे। 4 इज नॉट लेस देन 4, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर ये इस टाइप से होता तो ये ट्रू होता। नाउ चेक फॉर n इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड 3 रेज टू द पावर 2 लेस देन 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2 9, एंड 2 रेज टू द पावर 3 8। And 9 is not less than 8. It is a false statement. It means for n is equal to 3, Pn is not true. Now check for n is equal to 4. Left hand side 4 raised to the power 2 and right hand side 2 raised to the power 4. 4 raised to the power 2, 16. And 2 raised to the power 4 is also 16. But 16 is not less than 16. 16 is equal to 16. अगर यहाँ पर equal to का mark होता तो ये statement true statement count होता। Now check for n is equal to 5. Left hand side will become 5 raised to the power 2 and right hand side 2 raised to the power 5. This is 25 and this is 32. It is a true statement. 25 is less than 32. It means D is the right option. Question number 5. Consider the statement Pn such that 10n plus 3 is a prime. Then which of the following is not true? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चेकिंग फॉर 1, मीन्स पी 1 हम देख रहे हैं। तो n के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, दैट इज 13। 13 इज प्राइम, ये तो ट्रू है, बट हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है फॉर विच पी एन इज नॉट ट्रू। नाउ पी 2, दिस इज 23। 23 इज प्राइम, मीन्स पी 2 भी ट्रू है। नाउ पी 3, एन के प्लेस पर 3 पुट कर दीजिए, दैट इज 33। एंड 33 इज नॉट प्राइम, इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 11। इट मीन्स पी 3 इज नॉट ट्रू एंड वी हैव टू फाइंड फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6। लेट पी एन बी द स्टेटमेंट एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 is an integral multiple of 12, then which of the following is not true? Now n plus 1 n plus 2 is a multiple of 12, divisible by 12 hai, which is not true, yehi hume find out karna hai. To chaliye first of all we are checking for n is equal to 3. P3 hum dekh rahe hain whether it is true or not. तो n के प्लेस पर आप 3 पुट कर दीजिए एंड चेक 60। 60 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, इट मीन्स P3 इज ट्रू। नाउ वी आर चेकिंग फॉर 4। अब देखिए इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करके हम ऐसे भी देख सकते हैं, भाई इसमें 12 आ रहा है, 6 टू आर 12, तो डेफिनेटली इट इज अ मल्टीपल ऑफ 12। तो P4 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ वी आर चेकिंग फॉर 5। इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12, क्योंकि 6 है लेकिन 2 नहीं है जो 12 के मल्टीपल को बनाएगा, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12। इट मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर आप 6 के लिए चेक करेंगे देन इट विल बिकम लाइक दिस,
एंड 6 2 12, आप इसमें से 2 into 4 2 ले सकते हैं, इट मीन्स इट इज अ मल्टीपल ऑफ 12. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. पी एन सच दैट 2n+1 लेस देन 2 raised to the power n, देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच पी एन इज ट्रू. We have to find smallest positive integer for which Pn is true. First of all, we are checking for n is equal to 2. 5 is less than 2. It is a false statement. It means for n is equal to 2, Pn is not true. Now we are checking for n is equal to 3. N ke place par 3 put kar dijiye, left hand side mein bhi aur right hand side mein bhi. 7 is less than 8. It is a true statement. It means Pn is true for n is equal to 3. Option B is the right option. आप 4 और 5 के लिए भी चेक कर सकते हैं. आइए हम चेक करते हैं P4. Nine is less than 16. It is a false statement. Now for 5. 11 is less than 32. It is also a true statement. 11 is less than 32. But question mein mention hai smallest positive integer. Then the answer will n is equal to 3. Now come to the next question. Question number 8. If 10 raised to the power n plus 3 into 4 raised to the power n plus 2 plus k is divisible by 9 for every natural number, then the least positive integral value of k. Expression हमें given है 10 raised to the power n plus 3 into 4 raised to the power n plus 2 plus k. और condition है कि it is divisible by 9. For every natural number. We have to find least positive value. तो चलिए least natural number के लिए इसको check करते हैं. n is equal to 1 put कर रहे हैं, तो जो भी expression हमें मिलेगा, that will be divisible by 9 according to the question. वो 9 से divisible होना चाहिए. 4 raised to the power 3, it means 64. 202 plus k. This expression is divisible by 9. तो चलिए चेक करिए 202. इसको अगर हम 9 से डिवाइड करें, this is 22. अब देखिए ये 27 होना चाहिए था, then the number will be divisible by 9. अब ये 27 तब होगा जब k 5 होगा. 202 plus 5 is equal to 207 means the least value of k for which the given expression is divisible by 9 is 5. Option C is the right option. Question number 9. For all n belongs to n means for all natural numbers, 3 into 5 raised to the power 2n plus 1 plus 2 raised to the power 3n plus 1 is divisible by. Ek expression hame given hai. And we have to check for all natural numbers. Kis number se, given 4 numbers mein se, kaun sa aisa number hai jisse ye divisible hoga. To chaliye, n is equal to 1 ke liye pehle hum dekhte hain ki is expression ki value hume kya milti hai. Kyunki wo number bhi, for all natural numbers ka meaning hai, n is equal to 1, 2, 3, hum isme kuch bhi put kar dein. Ye expression in 4 numbers mein se koi ek number aisa hoga jisse hamesha divisible hoga. तो पहले हम n is equal to 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो देखते हैं इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है. 391. अब देखते हैं कि 391 इन 4 नंबर्स में से किस से डिविजिबल है. अगर किसी एक से डिविजिबल हुआ तो वही आंसर हो जाएगा. 25 से तो ये नहीं डिविजिबल है, बिकॉज एट यूनिट प्लेस द यूनिट इज डिजिट इज 1. इन तीनों में से चेक करना है, तो चलिए 17 से पहले चेक करते हैं. 17 से डिविजिबल है, और साथ ही 23 क्वेश्चन मिला है, इट मींस 23 से भी डिविजिबल है. अब 19 से भी चेक कर लीजिए, 19 से डिविजिबल नहीं है, 25 से डिविजिबल नहीं है, इट मींस 19 और 25 ये दोनों ऑप्शंस तो एक्सक्लूड हो गए हैं. अब इन दोनों ऑप्शंस में से देखना है कि राइट ऑप्शन क्या है. तो देखिए राइट ऑप्शन वो होगा जो
एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 हम कुछ भी पुट कर दें, ये एक्सप्रेशन हमेशा डिविजिबल हो उस नंबर से। तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक किया तो 17 भी राइट है, 23 भी राइट है। तो चलिए एन इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं, क्योंकि हमें नंबर तो वही सेलेक्ट करना है जो फॉर एवरी नेचुरल नंबर ट्रू होगा। नाउ वी आर चेकिंग फॉर एन इज इक्वल टू 2, 9503। चलिए 17 से चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिविजिबल बाय 17 और नॉट। एन नंबर इज डिविजिबल बाय 17, इट मीन्स फॉर एन इज इक्वल टू 2 भी 17 के लिए ये गिवन एक्सप्रेशन ट्रू है। अगर हम इसे पी एन नाम दे दें तो फॉर 17 पी 1 भी ट्रू है और पी 2 भी ट्रू है। अब चलिए इसको 23 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, नाइन फाइव जीरो थ्री इज नॉट डिविजिबल बाई 23। इट मीन्स फॉर 23 पी 1 इज ट्रू बट पी 2 इज नॉट ट्रू। और क्वेश्चन में हमें वो डिविजर सेलेक्ट करना था जो फॉर एवरी एन ट्रू स्टेटमेंट दे। इट मीन्स 17 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। If x raised to the power n minus 1 is divisible by x minus k, then the least positive integral value of k, expression है x raised to the power n minus 1, divide करना है x minus k से, k की least value। अब इसमें देखिए x raised to the power n minus 1 एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो x माइनस 1 से हमेशा डिविजिबल होगा। x माइनस 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 1। इट मीन्स अगर k के प्लेस पर 1 होगा देन x रेज टू द पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस k, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज 1। क्वेश्चन नंबर 11। अ स्टूडेंट वॉज आस्ड टू प्रूव अ स्टेटमेंट पी एन बाय इंडक्शन। पी एन स्टेटमेंट गिवन है और कहा गया है कि ये इसको प्रूव करिए बाय इंडक्शन। ही प्रूव्ड पी के प्लस 1 इज ट्रू वट एवर पी के इज ट्रू। अगर पी के ट्रू है तो पी के प्लस 1 भी ट्रू है फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड ऑल्सो दैट पी 5 इज ट्रू। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट ही कंक्लूड दैट पी एन इज ट्रू फॉर। अब देखिए उसने पी 5 को चेक किया है और उसके बाद उसने चेक किया है कि इफ पी के इज ट्रू देन पी के प्लस 1 इज ट्रू। इट मीन्स 5 से आगे के जितने भी इंटीजर्स होंगे उन सब के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। इट मीन्स पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 5 एंड इक्वल टू 5, क्योंकि उसने 5 के लिए भी चेक किया है। सी इज द राइट ऑप्शन। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।